दिल्ली में आज से 3 दिवसीय कृषि उन्नति मेले की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। इसमें आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकार की नई पहल का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में देश भर से 1 लाख से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं और इसका आयोजन दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा परिसर में किया जाएगा। यहाँ फसल की नई किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इस मेले में सरकारी एवं निजी कंपनियां 600 स्टॉल लगाएंगी। मेले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और जैविक खेती आदि पर किसानों को शिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य और प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार भी बांटेंगे। पंकज है हमारे साथ। पंकज, किसान कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से इसमें तमाम योजनाएं हैं जिसकी आज शुरुआत की जाएगी। अब बिल्कुल, किसान बेहद उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें सीखने को काफी कुछ मिलेगा यहाँ पर, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में किस तरह से जो फसलों में परिवर्तन किया जाएगा और खासतौर पर किस तरह से जो नए बीज आए हैं जिससे किसानों को फायदा मिले उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जो जो राज्यों में बढ़िया कृषि में काम किया है उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। खासतौर पर अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा को पिछले वर्ष धान की खेती में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए जो अवार्ड दिया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से 2 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। और साथ में आज 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। देश भर से यहाँ पर किसान आए हैं, बेहद उत्साहित हैं क्योंकि किस तरह से जो बीज हैं, जो नए बीज आए हैं उनमें किस तरह से काम किया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए पंकज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आत्महत्या वो कर रहे हैं, कर्ज के तले दबे हुए, फसल एक तरफ खराब हो रही है और ऐसे में ये जो मेला है ये वाकई उनके लिए क्या कारगर हो पाएगा।